स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने चैप्टर 13 को स्टार्ट किया था, फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट, इसको हम समझेंगे और इसके बाद हमारा 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 14 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो स्टूडेंट, अपने इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम। स्टूडेंट, जो बेसिकली ये जो टॉपिक है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, इसमें जो भी हमारा इंडियन फेडरल सिस्टम है उसको डिफरेंट जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो डिफरेंट मेंबर्स थे और साथ ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे, उनके द्वारा हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में अपने व्यू पॉइंट्स दिए गए और हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम को वर्ल्ड की जो अदर फेडरल कंट्रीज़ हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके फीचर से कंपेयर किया गया और बताया गया, इसको क्रिटिसाइज किया गया और इसके बारे में अपने व्यू पॉइंट दिए गए। स्टूडेंट, इसमें अगर देखें तो सबसे पहले जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे केसी बेहरे, उन्होंने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो नेचर है वो क्वासी फेडरल है। स्टूडेंट, क्वासी फेडरल का मीन्स ये होता है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें फेडरल फीचर्स के साथ ही साथ कुछ क्या हों, यूनिटरी फीचर्स भी इंक्लूड हों। जब किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल फीचर्स के साथ ही यूनिटरी फीचर्स को भी इंक्लूड किया जाता है तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो क्वासी फेडरल कहा जाता है। इसीलिए जो केसी बिहरे थे उन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहा है। स्टूडेंट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें कि फेडरल फीचर्स भी हैं, साथ ही साथ यूनिटरी फीचर्स को भी मिक्स किया गया है। इसीलिए इसके करेक्टरिस्टिक को बताया गया क्वासी फेडरल, और किसके द्वारा कहा गया, केसी बिहरे के द्वारा। और स्टूडेंट, जो केसी बिहरे हैं उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपना रिमार्क दिया, उन्होंने कहा कि इंडियन यूनियन एक यूनिटरी स्टेट है जिसमें कि जो फेडरल फीचर्स हैं वो सब्सिडियरी हैं या सेकेंडरी हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा एक फेडरल स्टेट नहीं है जिसमें कि यूनिटरी फीचर्स सेकेंडरी हों या सब्सिडियरी हों। स्टूडेंट, उन्होंने केसी बिहरे ने यहाँ पर ये बताया है कि जो इंडियन यूनियन है वो अपने बेसिकली अपने स्ट्रक्चर में क्या है, यूनिटरी स्टेट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जबकि जो हमारे इंडियन स्टेट में जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरल फीचर हैं वो क्या हैं, सेकेंडरी हैं, सब्सिडियरी हैं। और उन्होंने कहा कि ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, उसमें जो फेडरल फीचर हैं वो सुपीरियर नहीं हैं, इसमें क्या है, इसमें यूनिटरी कॉन्सेप्ट को प्रिवेल किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक ऐसा फेडरल स्टेट नहीं है जिसमें कि जो यूनिटरी फीचर्स हों वो सब्सिडियरी हों। स्टूडेंट, अगर ऐसे कंट्री का एग्जांपल लिया जाए जहां पर कि जो क्या हो, एक फेडरल स्टेट हो जिसमें कि फेडरल फीचर्स को सुप्रीमेसी दी जाती हो और यूनिटरी फीचर्स सब्सिडियरी हों या सेकेंडरी हों, तो स्टूडेंट इसका एग्जांपल है यूएसए। स्टूडेंट, यूएसए में जो बेसिकली जो फेडरल सिस्टम है वहाँ पर जो स्टेट है वो प्रैक्टिकली क्या है, पूरा अपना फेडरल स्ट्रक्चर है, अगर यूनिटरी फीचर्स वहाँ पर क्या हैं, सेकेंडरी हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जो हमारे जो यूनिटरी फीचर्स हैं वो प्रैक्टिकली काम करते हैं ज़्यादा, और जो हमारे जो फेडरल फीचर हैं उनको सब्सिडियरी माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है। ऐसा रिमार्क किया गया था केसी बिहरे के द्वारा।
इसके बाद स्टूडेंट हम और भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उनके द्वारा दिए गए जो क्रिटिक्स हैं हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में, उनके द्वारा दिए गए व्यू पॉइंट्स को समझेंगे। जैसे कि स्टूडेंट के संथनाम, इनके द्वारा कहा गया कि हमारी इंडियन कंट्री में जो हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो यूनिटरी बायस को जो इंक्रीज़ किया गया है, या जो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बेसिकली जो सुप्रीमेसी मानी गई है वो यूनिटरी फीचर्स की मानी गई है, तो ऐसा क्यों है। इसके लिए उन्होंने टू फैक्टर्स को बताया था। के संथनाम कहते हैं कि हमारी कंट्री में जो ये यूनिटरी बायस है, इसकी जो सेंटर है वो इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी बायस को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों किया गया है, इसके पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। के संथनाम बताते हैं कि एक तो सबसे पहले ये पहला रीज़न ये है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्फीयर है वहाँ पर सारा कंट्रोल सेंटर का है, और जो स्टेट हैं उनके पास क्या है, उनके पास उसमें अपना डोमिनेंस नहीं है, और किसी भी अगर सेंट्रल ग्रांट के ऊपर जो स्टेट हैं वो उस चीज़ के लिए सेंटर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके पास अपना फाइनेंशियल स्फेयर जो है उसमें उनकी इंडिपेंडेंस नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट पहले जितने भी टैक्सेस होते थे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते थे, और स्टेट गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार के किसी भी टैक्स को कलेक्ट करने की परमिशन नहीं होती थी, नहीं राइट नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम में जो अल्कोहल है उस पर अगर कोई भी टैक्स है तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही वो सबमिट होता है। स्टूडेंट इसमें दूसरा रीज़न उनके द्वारा बताया गया कि जो भी ये क्या है कि जो ये प्लानिंग कमीशन 1950s में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, प्लानिंग कमीशन एक ऐसी बॉडी बनाई गई थी जिससे कि हमारे इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितनी भी डेवलपमेंट प्रोसेसेस हो रही हैं वो सब प्लानिंग कमीशन के कंट्रोल में ही होती थी, और प्लानिंग कमीशन उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, तो इसीलिए क्या था, और ये बेसिकली इसमें सारा कंट्रोल जो था वो प्लानिंग कमीशन का था। अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही है देश में किसी भी स्टेट में कहीं पर भी, तो इसीलिए ये प्लानिंग कमीशन क्या है, अपने आप में एक सेंट्रल अथॉरिटी लिए हुए था, और इसको 1951 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो स्टूडेंट हमने समझा कि जो के संथनाम थे उन्होंने हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में इस चीज़ को बताया कि ये जो यूनिटरी फीचर्स का जो प्रेवलेंस है, ये जो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर के साथ साथ जो यूनिटरी फंक्शंस को इतना प्रिवेल कर दिया है, यूनिटरी फीचर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, इसके दो रीज़न हैं। एक तो कि जो सेंटर है उनके पास अपना कोई फाइनेंशियल स्फीयर में उनको इंडिपेंडेंस नहीं है, जिसके लिए वो क्या होते हैं, सेंटर के ऊपर डिपेंड होते हैं किसी भी सेंट्रल ग्रांट के लिए। और इनके द्वारा दूसरा रीज़न ये बताया गया कि जो एक पावरफुल बॉडी जो 1950s में जो आई वो थी प्लानिंग कमीशन। अगर देश में कोई भी डेवलपमेंट उस टाइम पर किया जाता था तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थी, प्लानिंग कमीशन का पूरा उस पर कंट्रोल रहता था, तो ये कहा गया। और स्टूडेंट के संथनाम इस चीज़ को भी कहते हैं कि इंडिया हैज़ प्रैक्टिकली फंक्शनड एज ए यूनिटरी स्टेट। उन्होंने कहा कि इंडिया प्रैक्टिकली जो फंक्शन कर रही है वो एक यूनिटरी स्टेट की तरह काम कर रही है। दो द यूनियन एंड स्टेट्स हैव ट्राइड टू फंक्शन फॉर्मली एंड लीगली एज ए फेडरेशन। उनके द्वारा कहा गया कि संथनाम इस चीज़ को कहते हैं कि इंडिया जो प्रैक्टिकल में जो काम कर रही है, जो फंक्शन कर रही है, उसका बेसिस तो है यूनिटरी सिस्टम, उसको जो काम कर रही है उसका नेचर क्या है, यूनिटरी स्टेट की तरह है। लेकिन वहाँ पे जो भी यूनियन और जो अदर स्टेट्स हैं वो केवल क्या कर रहे हैं, एक फेडरलिज्म होने की एक फॉर्मेलिटी को, एक लीगलिटी को तय कर रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। क्या है, क्योंकि जो बेसिक
बेसिकली जो इसका फंक्शन है, जो प्रैक्टिकलिटी है, जो एक्शंस हैं, वो सब एक यूनिटरी स्टेट की तरह ही हो रहे हैं। और जो यहाँ के सभी स्टेट्स हैं, जो सेंटर है उसमें क्या है, वो सिर्फ एक फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्मली क्या है, उसको खाली बस निभा रहे हैं। उसकी एक उसकी क्या है, कोई भी उसकी प्रैक्टिकल फंक्शनिटी नहीं है, ऐसा कहा गया के संथनाम के द्वारा। स्टूडेंट ऐसे ही जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन से, उनके द्वारा कहा जाता है, जैसे कि पॉल एप्पलबाई हैं, उन्होंने इंडियन फेडरल सिस्टम को करेक्टराइज़ किया। उन्होंने कहा कि जो इंडियन फेडरल सिस्टम है वो एक्सट्रीमली फेडरल है। और उसके बाद एक मॉरिस जोन्स, उन्होंने इंडिया के फेडरल सिस्टम को कहा कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। स्टूडेंट्स इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में बेसिकली जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में हैं उनमें वन लाइनर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जैसे केसी विहरे ने कहा था कि जो इंडियन स्टेट का जो फेडरल सिस्टम है वो क्वासी फेडरल करेक्टर का है, क्वासी फेडरल नेचर का है। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो क्वासी फेडरल किसके द्वारा बताया गया, तो इसका आंसर होगा केसी विहरे। और स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने ये पढ़ा मॉरिस जोन्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है ये एक बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और स्टूडेंट जो आइवर जेनिंग ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रकार का है कि यहाँ पर क्या है, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया कि एक ऐसा फेडरेशन है इंडियन फेडरल सिस्टम जिसमें कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का मीन्स ये है कि अगर स्टेट या सेंटर के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो उसमें जो प्रिवेल माना जाएगा वो सेंटर को ही माना जाएगा, सुप्रीमेसी सेंटर को ही दी जाएगी। और बेसिकली अगर कोई भी विवाद होता है तो उसमें जो हायर अथॉरिटी होगी वो सेंटर को ही माना जाएगा। आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया कि हाँ, इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है ये है तो फेडरल, लेकिन इसमें क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का है। इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सेंटर को ध्यान में रखकर ही की गई हैं कि अगर स्टेट सेंटर किसी चीज़ को नहीं चाहता है तो ऐसा नहीं है कि स्टेट उस चीज़ को कर सके। और क्या है, इसीलिए बताया गया है कि ये जो सेंटर की जो टेंडेंसी है, सेंटर की तरफ झुकी हुई इसकी नीतियां हैं, इसके जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सेंटर को स्ट्रांग बनाने की हैं। और स्टूडेंट जो आइवर जेनिंग्स हैं उन्होंने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है अपने उसमें, अपने स्ट्रक्चर में, लेकिन इसमें क्या हैं, साथ ही कुछ यूनिक सेफगार्ड्स भी हैं जो कि नेशनल यूनिटी और नेशनल ग्रोथ के टाइम पर उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनको इन्फोर्स किया जाता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी फीचर्स को दिखाता है। वैसे तो स्टूडेंट क्या है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेनली फेडरल है, लेकिन जब भी कोई नेशनल यूनिटी की बात आती है, नेशनल ग्रोथ की बात आती है, तो ऐसे नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड मैटर पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इसीलिए इन्होंने कहा आइवर जेनिंग्स ने कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेनली फेडरल है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिक सेफगार्ड्स हैं फॉर इन्फोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। इसमें कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं कि जब नेशनल यूनिटी और नेशनल ग्रोथ को इन्फोर्स करना हो तो उसको सेंटर के द्वारा किया जा सके। और स्टूडेंट इसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं जो कि अलेक्जेंड्रोविच हैं, उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो क्या है, इज़ ए केस शुई जेनरिस।
इनके कहने का मीसा का जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो अपने नेचर में, अपने करैक्टर में यूनिक है। सुई जेनेरिस का मीन्स होता है कि यूनिक होना अपने करैक्टर में। तो स्टूडेंट जो अलेक्जेंड्रोविच हैं उन्होंने कहा कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो अपने आप में यूनिक है। स्टूडेंट यूनिक इसलिए भी है क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ फेडरल फीचर्स तो हैं ही, साथ ही हमने क्या है उसमें यूनिटरी फीचर्स को भी ऐड किया है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेनविल ऑस्टिन हैं उन्होंने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, अपने जो फेडरल सिस्टम है उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में बताया कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। और ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्होंने क्या है स्ट्रॉन्ग को तो सेंटर बनाया है लेकिन इसका मींस ये नहीं है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या हैं, वीक हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो वीक नहीं हैं, उनको जो भी पावर दी गई हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई हैं। ठीक है, ये कहा गया कि उनको केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की तरह स्टेट को नहीं लिया गया है बल्कि हमारी जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उनको जो भी राइट्स दिए गए हैं, जो भी पावर्स दी गई हैं वो हमारी पायस बुक यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गए हैं, उनके थ्रू ही वहाँ से ही हमारे जो ये जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनको पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइड कराई गई है। और ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो इंडियन फेडरलिज्म है वो क्या है, एक न्यू काइंड ऑफ फेडरेशन है जिससे कि जो इंडिया की जो पेक्यूलियर नीड्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके, गेन किया जा सके, अटेन किया जा सके। स्टूडेंट ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो इंडिया का फेडरेशन है वो एक नए प्रकार का, नए टाइप का क्या है फेडरेशन है जिससे कि जो इंडिया की जो बेसिक नीड्स हैं उनको गेन किया जा सके।